अस्सलाम वालेकुम, अमार अहमद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन, कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट के हवाले से। डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट जो कि अपना मिडवे टू कमर्शियल के ऊपर बने जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन रज़ा। आज हम इनसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम हुसैन भाई, डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट के हवाले से आपसे बात करेंगे। डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट मिडवे टू में बनने जा रहा है, एक तो उसका प्लॉट नंबर बताइएगा और उसका जो है अपना बिल्डर्स कौन है और इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट पहले बन चुके हैं और ये कितना प्रोजेक्ट है इसका। हमाद भाई, डी एक्स लग्जरी अपार्टमेंट है, ये मिडवे टू में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, प्लॉट नंबर 30 पे, जिसका ऑलमोस्ट एरिया 751 था, ऑलमोस्ट 750 स्क्वायर यार्ड पर ये बनने जा रहा है। ये ग्राउंड प्लस 80 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, ठीक है। अगर इसके मैं बिल्डर्स के बारे में बात करूँ, इसके बिल्डर्स इस्लाम स्टेट वाले बिल्डर्स हैं, इसके जो रिलायबल बिल्डर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर सिर्फ उन्हीं के साथ ही काम करती है जिनकी जो रिलायबल हों, जिनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो, जिन्होंने डिलीवर किया हो। अगर इनके मैं प्रीवियस हिस्ट्री की मैंने बात करूँ, बहरिया टाउन कराची में तो इन्होंने यूबीएन टे टावर लॉन्च किया था, डी एक्स मार रेजिडेंसी लॉन्च किया था और बहुत से ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च इन्होंने किए थे और अभी ग्रे स्ट्रक्चर में उन पर ग्रे स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। जो यूबीएन टे टावर है वो अभी फिनिशिंग का काम उस पर जारी है, जो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ के अंदर, 4 से 6 मंथ के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे इसका। अभी इन्होंने रिसेंटली एक लॉन्च किया था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, डी एक्स टे टावर के नाम से, जो आपने देखा कि तकरीबन एक मंथ 25 डेज या 6 मंथ के करीब इन्होंने लॉन्च किया था, इसी दिनों में ईद के बाद शायद लॉन्च किया था, तो जिसकी 75% बुकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब ये नेक्स्ट उसके रेट रिवाइज कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जून से, कल से जो। अच्छा, अगर मैं इसके डी एक्स लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में बात करूँ तो ये ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी की बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है। एक फ्लोर के ऊपर कितने अपार्टमेंट? एक फ्लोर के ऊपर हमारे भाई 5 अपार्टमेंट दिए हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ इन्होंने 2 इसमें कैटेगरी दी है, 2 बेड और 3 बेड की। 2 बेड में भी 2 कैटेगरी मिलती है, लेकिन 3 बेड में सॉरी 2 कैटेगरी दी हैं और 2 बेड में हमें 3 कैटेगरी दी हैं। इनके साइज के हिसाब से होगा, इनके 2 बेड में भी 3 साइज आ जाएंगे और 3 बेड में 2 साइज। हाँ जी, 3 बेड में 2 साइज हैं और 2 बेड में 3 साइज दी हैं। हर फ्लोर पर 5 इन्होंने दिए हैं। ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी की बिल्डिंग है, 1 से ऑनवर्ड 18 तक सेम यही शेड्यूल है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शोरूम दिए हैं, शोरूम दिए हैं और फर्स्ट फ्लोर से इसके अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में से इसमें अपार्टमेंट स्टार्ट हो गए, 1 से ऑनवर्ड 18 तक अपार्टमेंट है और ये इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किए हैं, ठीक है। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, 36 इसकी इंस्टॉलमेंट बनती हैं और इसकी 25% इसकी डाउन पेमेंट है, जिससे हम बुकिंग प्राइस भी कहते हैं, जो हमें पे करके हम इसमें बुक करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी 20% डिगिंग पे है और बाकी इससे जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है वो इसे इन्होंने इंस्टॉलमेंट पर लॉन्च किया है। अगर मैं साइजेस की बात करूँ, उसके साइजेज 2 बेड हमें देखने को मिलता है, 1000 स्क्वायर फीट का और 1030 स्क्वायर फीट का और 1080 स्क्वायर फीट का, 3 साइज में देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर मैं 3 बेड की बात करूँ, 3 बेड में हमें 1565 स्क्वायर फीट का मिलता है और दूसरा 1765 स्क्वायर फीट का मिलता है। इसकी सराउंडिंग के बारे में बताइए। इसके सराउंडिंग में इसकी सराउंडिंग बड़ी आइडियल सराउंडिंग्स है। इसकी सराउंडिंग में हमें ग्रैंड मॉस का व्यू देखने को मिलता है, ग्रैंड मॉस फेसिंग है ये, ठीक है। अब इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके रेट्स के बारे में बताता चलूँ, जो ग्रैंड मॉस फेसिंग है उसका रेट्स इन्होंने रखा है 10,700 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड जिसे हम बैक पर कहते हैं, जो वेस्ट ओपन होंगे, वो उन्होंने रखा है हमें वो 9,700 स्क्वायर फीट 1,000 का, हाँ, डिक्रीज दिया है इन्होंने, रेट इन्होंने कम किया है इसका। तो इसके सराउंडिंग्स भी हमें बड़ी आइडियल व्यू देखने को मिलता है, अली ब्लॉक में इसके सराउंडिंग में मिलता है, 10A अली 11A के विलाज और इसमें सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। इसी तरह हमें डेस्कॉन टावर देखने को मिलता है और बड़ा आइडियल सा व्यू देखने को मिलता है, जना आदमी को बड़े वॉकिंग डिस्टेंस पर अप्रोच करता है। अगर मैं मेन एंट्रेंस से बात करूँ तो तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट के ड्राइव पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्डर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, एक लोकेशन, दूसरी बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी और तीसरा इसका टाइम पीरियड। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डर्स के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो नो डाउट के उनके डिलीवर करने वाले बिल्डर्स हैं, जिन्होंने आप देख सकते हैं
मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं इनके बैरिया में जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम जारी है। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे जो इनके प्रोजेक्ट 400 से 500 के जो अंडर ग्रे स्ट्रक्चर में है वो एक साल के अंदर इसमें पोजेशन अनाउंस कर देंगे। सही है, थैंक यू हुसैन भाई। जी नाज़रीन, DX लग्जरी अपार्टमेंट में बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कीजिए। DX लग्जरी अपार्टमेंट की लोकेशन बहुत प्यारी है, ग्रैंड जामिया मस्जिद फेसिंग अपार्टमेंट है। DX लग्जरी अपार्टमेंट में बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कीजिए। थैंक यू, अल्लाह।